चलो तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया, स्क्रीन ब्लैंक कैसे हो गया यार? हाँ, फिर से चला गया सर, एंड ऑफ स्लाइड सर। सर गैलेक्सी लगाइए ना सर। आ गया गैलेक्सी, सर। एक मिनट वेट करो। ठीक है, गैलेक्सी ओके। इधर लाइटिंग ठीक नहीं है तो गैलेक्सी नहीं लग सकता। ये अटक चुका है इतना प्रकाश। हाँ यार, ये सर बैकग्राउंड स्क्रीन आप कैसे लगाता है सर? हाँ जूम में होता है ना। ओके सर। ओके, चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पहले कुछ और देख लो आप लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी देर बाद देख लो, ठीक है? तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि बहुत तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है? कौन कौन तरीके के बॉन्ड हम लोगों ने नाम पढ़े थे बताओ। कौन बताया, शुभंकर आप बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। नहीं, कोवेलेंट के पहले, कोवेलेंट और आयोनिक किस बॉन्ड का टाइप होता? कोवेलेंट और आयनिक किस बॉन्ड का हेलो टाइप? सर, बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो बोलो। इंटर अटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर था सर ऐसे। हाँ, इंटर अटॉमिक में ये सब था, ये सब हाँ, इंटर एटॉमिक में कौन कौन से बॉन्ड थे हमारे? आयोनिक, कोवेलेंट आयोनिक, कोवेलेंट और और कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और और एक और कुछ था, एक मेटालिक बॉन्ड भी था ना सर। मेटेलिक बॉन्ड हम लोग उसमें देखे थे ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखे नहीं थे? देखे थे क्या? देखो, हाँ मतलब सर किसमें था ना। नहीं देखे थे तो देखे देख लो। आई थिंक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब बताए थे ना। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो, नहीं देखे थे तो देख लो। ठीक है, तो हाँ सर, मेटल, मेटेलिक बॉन्ड हमारा क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं हमारे उनका बॉन्डिंग कुछ ऐसे होता है, जैसे ये एक मेटल एटम होगा, ये एक मेटल होगा, ये एक मेटल एटम होगा, ये एक मेटल होगा, इस तरह से बहुत सारे आपके मेटल एटम्स होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है कि टाइटली बाउंड होता सर टाइटली नालायक, लूजली लूजली बॉन्ड होता है ना, कटायन बनाता है नालायक को। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स होंगे उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, तो वो जब मेटल सरफेस पे होंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसका क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के बाहर, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, बस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर है लेकिन अभी भी हमारे सरफेस पे ही है। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। तो इफेक्टिवली इसको अगर हमको देखा जाए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा एक एक एटम है, ठीक है, जो एक एक गोला है, दैट इज फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह सकते हैं ऐसे, फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समुद्र है, उसमें क्या है, हमारा ये एटम्स फ्लोट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं वहां यस पे। सर। हाँ ठीक है, मतलब अभी भी सरफेस पे ही है लेकिन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के बाहर है। ठीक है, फ्री है मूव करने के लिए। तभी तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, लस्टरस होते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग फ्री क्या बोलते इलेक्ट्रॉन। हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल।
और यहाँ पे जो अगल बगल के मेटल्स के बीच जो बॉन्ड होता है दैट इज योर मेटेलिक बॉन्ड. समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, जैसे इलेबोरेटली हम लोगों ने आयोनिक पढ़ा था, कोवेलेंट पढ़ा था, इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन की तरह याद रख सकते हैं. ठीक है? हाँ सर. ओके, तो इंटर एटॉमिक होता था, ये चारों हमारे हो गए इंटर एटॉमिक में. कौन कौन? आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक. ठीक है? हाँ सर. दूसरा दूसरा कौन होगा? इंटर मॉलिक्यूलर. अब इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है बताओ, उसके टाइप्स बताए थे हमने. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था एक और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वाल. हां सर, वंडर. तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है? तो इसमें दो चीज होते हैं हमारे. पहला चीज क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है? पहला चीज जो आज पढ़ेंगे वो क्या है हमारे? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये क्या हो गया? वीएडी की वी ए ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है? और सेकेंड हम लोग जो कल पढ़ेंगे या फिर अगर टाइम बचा तो आज ही पढ़ लेंगे मोस्टली. ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, बारी बारी से इन दोनों को देखते हैं. इसका जल्दी से नोट कर लो सब लोग. सर फोर्स. अच्छा, ठीक है, नोट कर लिया हमने. हाँ सर. तो हम बारी बारी से वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं. ठीक है? टुडे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सेकेंडरी फोर्सेस भी बोलते हैं. ये जो दोनों कैटेगरी है ना, या फिर वैन डर वाल फोर्सेस जो है, इसको हम लोग सेकेंडरी फोर्सेस बोलते हैं. इसको वैन डर वाल फोर्सेस हम शॉर्ट में लिखेंगे. ठीक है? बार बार उतना लंबा नाम नहीं लिख रहे हैं. इसको हम लोग सेकेंडरी फोर्सेस बोलते हैं. मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा. ठीक है? ओके, तो कैसे 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 इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? इसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं. ठीक है? कैसे कैसे इसकी कैटेगरी होती है? इसको हम लोग पांच कैटेगरी में बांटते हैं. ठीक है? सबसे पहला क्या होता है आपका? आयन डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन. फिर क्या होता है सेकेंड कैटेगरी? दैट इज योर डाइपोल अट्रैक्शन. ठीक है? एक्सप्लेन करेंगे हम सब, घबराने का बात नहीं है. फिर क्या होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है सर, इंटरैक्शन और अट्रैक्शन में फर्क क्या है? अट्रैक्शन ही लिख लो. चलो ठीक है. ठीक है? अच्छा ठीक है. हाँ सर. देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन. ठीक है? और लास्ट कैटेगरी होता है आपका, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन. ठीक है? अब ये पांचों कैटेगरी क्या क्या होती है? सर तीन क्या लिखा है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन. ठीक है? आयन इंड्यूस्ड, ये क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. समझ में आ रहा है सबको? चारों नाम क्लियर है ना? हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो अब नाम से इसका बहुत हद तक इसमें क्या होने वाला है वो चीज क्लियर है. ठीक है? आयन डाइ, अच्छा डाइपोल क्या होता है? डाइपोल कल हम लोगों ने बॉन्ड मोमेंट पढ़ा था, राइट? और डाइपोल. हाँ सर. तो डाइपोल किसको बोलते हैं? जिसके भी हमारा, जिसका भी हमारा बॉन्ड मोमेंट नॉन जीरो हो. ठीक है?
डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो तो वैसे कंपाउंड को हम लोग पोलर कंपाउंड बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं, मतलब उसके अंदर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव एंड है, पोल्स है, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं. समझ में आ रहा है सबको? और एक बार थोड़ा बोल दीजिए ना, थोड़ा कनेक्शन था. हाँ, तो हमने क्या बताया कल, हम लोगों ने जैसे देखा डाइपोल मोमेंट करके देखा था, ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट जिस चीजों का नॉन जीरो होता है, so those things are said to be dipoles, or they are, in other words, they are also called as polar compounds. उसके अंदर एक positive और negative end है, तो एक dipole है उसके अंदर, ठीक है, positive और negative poles है, जैसे magnetic का होता है ना, magnet का north pole south pole. हाँ sir. तो वैसे ही उसके अंदर क्या है, positive और negative poles है, वैसे compound को हम लोग क्या बोलते हैं, dipole बोलते हैं. Clear है? हाँ sir. Yes sir. आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन और डाइपोल कैसे अट्रैक्ट करेंगे, जैसे सॉल्वेशन याद है सबको? हाँ सर. लेट अस से ये एक कटायन है, ये एक अनायन है, ठीक है. इसके साथ वाटर का जो इंटरेक्शन है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है. तो वाटर को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, ठीक है. प्लेट इसको कैसे सराउंड करेगा, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, this is negative, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative, this is positive, ठीक है, this is negative, this is positive, ठीक है. हाँ sir. Similarly A minus को कैसे करेगा, this is positive, this is minus, this is positive, negative, this is positive, negative, this is positive. हाँ sir. ठीक है. Yes sir. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे water molecules हैं, जो कि एक dipole की तरह है, ठीक है. हाँ sir. तो डाइपोल और किसी आयन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है. यहाँ पे जो इस दोनों के बीच जो ऑपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो इस दोनों के बीच अट्रैक्शन है, दैट इज नोन एज आयन डाइपोल अट्रैक्शन. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. नेक्स्ट इज योर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब दो डाइपोल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है. ये हाइड्रोजन होगा इधर, इधर क्लोरीन होगा, क्लोरीन के साइड नेगेटिव है, ठीक है. अगला फिर एक और ऐसे बना दो, दिस इज प्लस माइनस, अगेन HCl, ठीक है. हाँ सर. तो यहाँ पे इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है. ये भी डाइपोल दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. क्या तो वाटर के साथ भी ऐसा हो सकता है ना? वाटर के साथ भी हो सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो हम लोग सेकंड कैटेगरी में देखते हैं, ठीक है. ओके सर. ओके. देन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब क्या है, मतलब पहले से डाइपोल नहीं था, आयन के कारण डाइपोल क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है, ठीक है. जैसे कोई कटायन लेटस से आपने डाल दिया किसके बगल में, क्लोरीन के बगल में, सीएल टू, ठीक है. दिस इज क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड. तो क्लोरीन क्लोरीन पोलर है कि नॉन पोलर है, डाइपोल है कि नहीं? डाइपोल नहीं है. डाइपोल नहीं है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है. लेकिन बगल बगल में चुके आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया. बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हल्का सा क्या होगा, हल्का सा इसके अंदर निगेटिव आ जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, जो इसके पास में है. समझ में आया? और फिर ये पॉजिटिव और इस हल्का सा जो इंड्यूस्ड डाइपोल है उसके और इस आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज योर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. हाँ सर. ओके. देन नेक्स्ट इज योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब यहाँ पे क्या है, सेम एग्जांपल ले लो, क्लोरीन है इधर, कायदे से ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके बगल में क्या आया, एक डाइपोल आया, पिछले केस में आयन आया था, यहाँ पे एक डाइपोल आया, जैसे HCl मान लो, ठीक है. Yes, sir. तो HCl क्या करेगा, HCl मतलब इधर डेल्टा प्लस इधर डेल्टा माइनस, तो इस ये डेल्टा माइनस इस पे कुछ डेल्टा प्लस इंड्यूस करेगा. हाँ सर. वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये तो खुद एक डेल्टा माइनस है, हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, और वो जब इंड्यूस करेगा दूसरे पे तो कितना ही कर पाएगा, ठीक है. तो इस पे डेल्टा डेल्टा प्लस, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर डेल्टा डेल्टा माइनस. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. फिर ये दोनों जो इंटरेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है. हाँ सर. और इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन, ऐसा किसके केस में होता है, तो जो हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं, जैसे ज़ीनन, ठीक है.
तो इसके अराउंड क्या होते हैं, ज़ीनन में बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे और उन ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ठीक है? हाँ सर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बना दो, इलेक्ट्रॉन्स बना दो, ठीक है? हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ऑक्टेट ऑक्टेट वो सब आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो घूमते घूमते क्या होगा, ये बहुत आपको अजीब लगेगा, ठीक है, ये क्या चल रहा है, ठीक है? तो घूमते घूमते एक इंस्टेंट ऐसा आ सकता है कि एक साइड इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है? एक एक इंस्टेंट के लिए, ठीक है, एक इंस्टेंट के लिए ऐसा हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल को, या फिर ज़ीनॉन थोड़ा गंदा एग्जांपल हो गया, हाइड्रोजन देख लो, ठीक है? हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है? हाँ सर, एक एक इंस्टेंट के लिए कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये इसमें हल्का सा एक साइड पॉजिटिव हो जाए और हल्का सा एक साइड निगेटिव हो जाए, एक इंस्टेंट के लिए बस, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड बोल सकते हैं, अब आप जो बोलो, ठीक है? मतलब हर एक बहुत हल्का सा एक पॉजिटिव और हल्का सा निगेटिव, बहुत छोटा सा, थोड़े देर के लिए बस अपियर हो सकता है, ठीक है? ज़ीनॉन विनॉन को हटा दो, ठीक है? ज़ीनॉन देख के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है? एक इंस्टेंट के लिए क्या हुआ, इस पे हल्का पॉजिटिव, और उसी इंस्टेंट पे इधर इसके लिए क्या हुआ, हल्का निगेटिव, ठीक है? हाँ, अब जो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, ओके, दोनों मॉलिक्यूल है, हाँ दोनों मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, ठीक है? ठीक है सर, हाँ सर, तो आप एक तरह से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पूरे पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन किसके हो रहा है, एक डेल्टा निगेटिव के साथ, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहाँ पे किसका इंटरेक्शन हो रहा है, एक डेल्टा निगेटिव का दूसरे डेल्टा पॉजिटिव के साथ, ठीक है? यहाँ पे क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इस पॉजिटिव के कारण जो डेल्टा नेगेटिव इंड्यूस हुआ है, तो दैट विल बी वेरी मच लेस, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा माइनस, ठीक है? बहुत छोटे से चार्ज के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है? हाँ, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो और भी कम होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेल्टा माइनस है, यहाँ पे तो वन पॉजिटिव के कारण जो इंड्यूस हुआ वो बहुत कम है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस के कारण जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है? हाँ सर, तो जितना हम डेल्टा बढ़ाते जा रहे हैं, जितना डेल्टा बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है? इसलिए चार डेल्टा लगा दिए, ठीक है? ऐसा तो, होता है वो वाला कंडीशन होता है? हाँ हाँ होता है, होता है, ठीक है, ओके। तो क्या, तो अब अगर आपसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछे 1, 2, 3, 4, 5 में, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन हो जाएगा? 1, हाँ सर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सबसे खराब होगा 5, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो ये 3 वाला ज्यादा अच्छा नहीं होगा 2 से, क्योंकि वो ज्यादा नहीं, इसपे निगेटिव चार्ज पूरा है, इसपे भी निगेटिव चार्ज पूरा है, इसपे जो निगेटिव चार्ज है वो हल्का सा इंड्यूस हुआ है, ठीक है? मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल तो क्लोरीन न्यूट्रल है ना, ठीक है? ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर सेकेंडरी फोर्सेस, ऑल ऑफ दिस 5 एग्जांपल्स आर एग्जांपल्स ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, आगे बढ़े? हाँ सर, हाँ, इसको नोट कर लिया ना सब? हाँ सर, कर लिया, हाँ सर, हाँ। फिर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है? एप्लीकेशन इसका क्या क्या होगा, ठीक है? एप्लीकेशन इसका ज्यादा नहीं है, सबसे पहले तो वंडर वॉल फोर्सेस जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है? उतना ही ज्यादा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर, यस सर, एनर्जी लगेगा, यस सर। और सेकंड चीज में मोर लाइक इट इज मोर लाइक अ रूल, ठीक है? तो एक तो हम लोग पहले वंडरवॉल फोर्सेस अगर कंपेयर करना होगा 3-4 कंपाउंड में,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से कैटेगरी में वो फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन से वाले में आ रहे हैं, ठीक है। लेट अस से एक ऐसा कंपाउंड आपने लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है किसका, ICL का और CLCl का, ठीक है। हाँ सर। तो ICL में कौन सा वंडरवॉल फोर्स लगेगा, कौन से कैटेगरी वाला, और CLCl में कौन सा लगेगा? ICL में सर, ICL में डाइपोल डाइपोल, हाँ सर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव दूसरे के साथ जब ICL इंटरैक्ट करेगा तो ये डाइपोल वो डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CLCl मतलब नहीं नहीं आयन इंड्यूस नहीं, आयन बाहर से कहीं हम डाल ही नहीं रहे तो आयन इंड्यूस कैसे होगा, तो बॉन्ड बनेगा, फिफ्थ वाला होगा, फिफ्थ वाला होगा इसमें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बाहर से कुछ डाल नहीं रहे, कुछ इंड्यूस होगा नहीं, ठीक है। दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा वंडर वॉल फोर्स है, ये वाला, हाँ पहला वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। फिर सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं, अगर किसी ऐसे कंपाउंड में कंपेयर करना हो जिसमें दोनों में क्या है, सेम कैटेगरी ऑफ फोर्स लग रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके इनर्ट गैसेस है उसमें अगर आपको कंपेयर करना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ठीक है, इसका आपको क्या कंपेयर करना है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका भी क्या कंपेयर करना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सब में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो फिफ्थ कैटेगरी की होगी, इंस्टेंटेनियस वाली, ठीक है, ये भी इंस्टेंटेनियस है, ये सारे आपके क्या है, सॉरी, सारे के सारे इसमें क्या है, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। हाँ सर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वंडरवॉल फोर्स का जो ऑर्डर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसमें VDW फोर्सेस, अगर कैटेगरी सेम है तो, ठीक है, कैटेगरी अगर एक डाइपोल डाइपोल का है एक इंस्टेंटेनियस का है तो उसमें मास कंपेयर नहीं करेंगे, उसमें पहले देखेंगे डाइपोल डाइपोल फिर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। हाँ सर। अगर सेम कैटेगरी के सारे फोर्सेस है तब हम लोग मास पे जाएंगे, सेकंड रूल पे जाएंगे, बात क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो वंडर वॉल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड या फिर एटम जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ज़ीनन का सबसे ज्यादा, फिर ये क्रिप्टन, फिर आर्गन, फिर नियन, बात समझ में आ रही है सबको? सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं समझना था इसमें, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग पोर्शन आने वाला है, ठीक है। अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं भी आया फिर भी यहाँ से आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, अगला टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। हाँ सर, एक मिनट बस। सर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, तभी भी क्या वत्सल, आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? नहीं सर, बस एक बार पूछे ऐसे। अच्छा ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलना, हम आपका सुबह में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है। होमवर्क का टाइम पे भेजा करो, ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े? हाँ सर, नोट कर लिया। अरे स्लाइड पे तो आना लगे, अटक रहा है अभी, आपका लैपटॉप स्लो हो गया। कहाँ है, कहाँ चल रहा है, क्या पढ़ रहे थे? ये देख लिया हम लोगों ने, क्या मजा आते हैं, स्लाइड ऐड किया हम लोगों ने।
दिखा सबको? हाँ सर। ओके तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से अलग है, मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, कभी कभी सेम मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है, दो एटम के अंदर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता कैसे है, कैसे बनता है और क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। हम लोग बारी बारी से सब लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सर इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन कंपाउंड तक सीमित नहीं है? हाँ ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेट अस से इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एन एटम ए व्हिच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली। हेलो अभिषेक, आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो अभिषेक, सो गया क्या? ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से मेरा मतलब है सोए नहीं है सर, जगे नहीं। अच्छा जगे हुए, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से कुछ होना चाहिए हाइड्रोजन अगर इससे बॉन्डेड है, ठीक है। और उसका इंटरेक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से हो रहा है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। हेलो सर, मतलब समझ में नहीं आया, अभी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन किसी ऐसे, हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और बगल में उसके एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है। हाँ, तो उस समय हाँ, क्या होता है, हाइड्रोजन और ये लोन पेयर वाले एटम के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाँ सर यही है सर। हाँ लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत खतरनाक होता है। देखो अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डेल्टा माइनस करेगा, इसके पास डेल्टा प्लस आएगा, फिर ये डेल्टा प्लस इस लोन पेयर से अटैक करके ऐसे ऐसे बना रहे, ठीक है। सो दिस डॉटेड 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 इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाँ सर ओके। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में और कुछ कुछ देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो कुछ समझना तो है नहीं जरा कुछ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है लिक्विड में, उसके बाद होती है गैस में, ठीक है। ओके देन तेरी को के 25-50 को पॉइंट हो जी। सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा सर? हाँ सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? क्या सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा सर? सॉलिड स्टेट का बोल रहे हैं हम, ठीक है। स्टेट में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, ठीक है। जैसे वाटर ही ले लो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, सॉलिड तो आइस होगा और ये तो वाटर होगा और गैस, ठीक है। साउंड कहाँ से आ रहा है? इसे वो भी से हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ सर। ओके यस सर। हाँ सर
तो सॉलिड स्टेट में जैसे वाटर का हमने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है आपके? ऑक्सीजन से, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है? हाँ सर। और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैन ऑल्सो एक्ट एज दिस एटम विथ लोन पेयर, ठीक है? सो लाइक दिस, समझ में आ रहा है? ओ अच्छा, हाँ हाँ। तो ये चीज क्या होगा, आइस में सबसे ज्यादा होगा, वाटर में उससे कम होगा, गैसियस में सबसे कम होगा। बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, फिर हम लोग देखते हैं इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है? कहाँ से साउंड आ रहा है? तो हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, इसका डिपेंडिंग ऑन किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन वेरी फ्रॉम 40 किलो जूल पर मोल टू 220 किलो जूल पर मोल, ठीक है? तो ये आइडिया आपको इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। आयोनिक बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, कितने के ऑर्डर का होता है, गेस करो? 220 के आसपास ही होगा। क्या? 220 के आसपास ही होगा। ठीक है, ये आप होमवर्क में पता करके आना, ठीक है? आयोनिक बॉन्ड का क्या होता है, कोवेलेंट का क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड, इन तीनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ठीक है? आयोनिक का ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आयोनिक होगा, आयोनिक ज्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में मेनली कंपेयर करना है आपको, ठीक है? हाइड्रोजन सबसे कम होगा, हाइड्रोजन कम होता है, कभी कभी कोवेलेंट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है? ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क खत्म, होमवर्क खत्म, ठीक है? और होमवर्क मिलेगा? नहीं सर। नहीं सर, क्या जल्दी लिखो। हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, ओके। फिर आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है? कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन, पहले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को कितने कैटेगरी में बांटते हैं, तीन कैटेगरी में, ठीक है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड को शॉर्ट में एच बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है मीडियम हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? हाँ सर। ओके, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है आपका एचएफ, ठीक है? HF के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड यू आर गोइंग टू फाइंड। इसका बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू 220 किलो जूल पर मोल, दिस इज ग्रेटर देन इवन द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? हाँ सर। इसीलिए आप लोग देखिएगा फ्यूचर में जब भी आपको HF दिखे अच्छे टेक्स्ट बुक्स में, तो कभी HF नहीं लिखते, उसको H2F2 लिखते हैं, ठीक है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच इतना स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा होता है, ठीक है? तो उसको हम लोग ऐसे इज्जत देते हैं, H2F2 लिखते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल को इज्जत देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, इस फॉर्म में ऐसे कट 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 HF ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? फिर ये वाला दूसरे के साथ होगा HF, फिर ये फ्लोरीन के साथ, इसी तरह से सीरीज बनते चला जाएगा पूरे का, ठीक है? हाँ सर। ओके, मीडियम हाइड्रोजन बॉन्ड, मीडियम हाइड्रोजन मतलब जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो, 40 किलो जूल से कम हो, 40 से ज्यादा हो, और 220 किलो जूल से कम, ठीक है? यस सर। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो, 40 से कम, सॉरी लेस देन होगा ना, ग्रेटर देन, साउंड कहाँ से bond energy is less than 40 kilojoule, ठीक है? आगे बढ़े, क्या आपके वहाँ कोई बाइक स्टार्ट हुआ क्या? नहीं, इधर कुछ ड्रिलिंग वगैरह चल रहा है बगल में, ठीक है?
अच्छा एक चीज नोटिस करो, हम लोगों ने अभी क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखा। हाइड्रोजन बॉन्ड में ए के साथ हमारा हाइड्रोजन है, बी के साथ हमारा क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। और लोन पेयर का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, इसके हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। दिस इज योर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाँ सर। तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो एक चीज आप लोग को लॉजिकली ये समझ में आना चाहिए कि ए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, ठीक है, उतना ज्यादा इस पे डेल्टा प्लस होगा, उतना अच्छा ये बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके। फिर बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना कम हो, ठीक है, उतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे पाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी जितना कम हो उतना ही क्या होगा, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। या फिर जितना अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो वो बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव हम लोग जनरली नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं ना, 4, 3.5, 2.8 है ना, वैल्यूज के टर्म्स में। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का जितना ज्यादा हो और बी का जितना कम हो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, बाकी फिर ये सब हम क्वेश्चन दे देंगे आपको शीट में। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगले कैटेगरी पे हम लोग आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप। ठीक है, based on type of hydrogen bond. Type of hydrogen bond से मेरा क्या मतलब है, या तो हमारा intermolecular हो सकता है या फिर intramolecular हो सकता है, मतलब same molecule के अंदर हो सकता है या फिर same molecule के बाहर हो सकता है। ठीक है, तो H bond can be intermolecular, ठीक है, एंड एच बॉन्ड कैन बी इंट्रामोलिक्यूलर ऑल्सो। ठीक है, हाँ सर। तो इंटरमोलिक्यूलर का अभी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया वाटर का। ठीक है, दिस इज योर वाटर, इसका हाइड्रोजन बना दो H, ठीक है, एक लोन पेयर के साथ, दूसरे लोन पेयर के साथ इधर बना दो HOH। सर इसमें ए और बी दोनों एक ही रहता है, उसमें अलग हो जाता है? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरमोलिक्यूलर एक तो हमने H2O का देख लिया, ठीक है, दूसरा किसका देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं H2O और NH2 का, NH3 का। ठीक है, तो ये जैसे आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसका किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो मतलब इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, या फिर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के साथ। समझ में आ रही है? ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। जैसे एक कंपाउंड देख लो आप, ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सी डबल बॉन्ड एच। एक मिनट रुको, इसको मिटाने के लिए रुको, थोड़ा सा हमने गलत बना दिया। तो वो क्या बेंजीन है? बेंजीन है, लेकिन ये एग्जांपल शायद आपको अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, मेरे को अच्छा एग्जांपल सोचने दो आप लोगों के लिए। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, सी सी एल सी एल सी एल सी ओ एच OH
और क्या कर सकते हैं OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन किससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से है, डेल्टा प्लस है, ठीक है। और बगल में इसके क्लोरीन है जिसके पास क्या है लोन पेयर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं अपन ऐसे ऐसे। सर क्लोरीन से ले सकता है? हाँ क्लोरीन ले किसी से भी सकता है, ठीक है। देने के लिए बगल में एफ ओ या फिर एन होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, तो ये हो गया आपका क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में एडजस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर, यही दिखेगा मतलब लास्ट यही है सर आंसर। हाँ क्या लास्ट ऐसा ही दिखता है बॉन्ड? हाँ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। इसको बोलते क्या है मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाँ सर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। दिस इज नोन एज क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। ठीक है आगे बढ़े और एग्जांपल हमको देखने हैं, ठीक है। अभी पूरे क्लास में हम लोग बस एग्जांपल एग्जांपल देखेंगे। हाँ सर, ठीक है। और फिर उसका क्या इफेक्ट होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर के और इंट्रा मॉलिक्यूलर के, ठीक है। इसको नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। अरे फिर स्लाइड खत्म हो गया यार, क्या मजा है मतलब। ठीक है तो इधर हम लोग किसके एग्जांपल देख रहे हैं इंटर के, इधर हम लोग किसके एग्जांपल देख रहे हैं इंट्रा के, ठीक है। इंटर में एक बहुत फेमस एग्जांपल है एचएफ का, ठीक है। एचएफ का जो हमारा बॉन्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखना, बॉन्ड एंगल वगैरह भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हाइड्रोजन नहीं, एक मिनट गलत बना दिया हमने, दूसरा इस तरफ होगा। एक मिनट नहीं नहीं गलत बना दिया हमने, ये फ्लोरीन है और हाइड्रोजन इस तरफ है, ठीक है। फिर ये फ्लोरीन है, फिर इसका हाइड्रोजन इस तरफ है, डॉट डॉट, फ्लोरीन इस तरफ है, हाइड्रोजन इस तरफ है, इस तरह से, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? दिस बॉन्ड एंगल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 120 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। इंटर के और भी एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स क्या, NH3 के बीच देख सकते हैं अपन, ठीक है। NH इसका इंटरेक्शन हो जाएगा NH, ठीक है, इंटरेक्शन हो जाएगा NH, ठीक है। हाँ सर, देन सिमिलरली वाटर और अल्कोहल का जो मिक्सचर है, ठीक है, अल्कोहल जानते हैं आप लोग, क्लास 10th में पढ़ा है थोड़ा बहुत। हाँ सर, ROH होता है इसका जनरल फॉर्मूला। R क्या है? R कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। R कैन बी CH3, R कैन बी C2H5, ठीक है, वगैरह वगैरह, इथेनॉल होता है। हाँ, तो इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ जो इंटरेक्शन होगा दैट इज HOH, फिर HOR, ठीक है, अगेन HOH, अगेन HOR, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं सीरीज। तो ये सब इंटर मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है इधर। बात समझ में आ रही है सबको? ओके, एक और बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, ठीक है, आगे देखते हैं। सर एक बार दिखा देना सर, लास्ट पेज। हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर। ठीक है, ये आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म बोले तो सी
एच सी एल सी एल सी एल ठीक है, तो तीन क्लोरीन है तो ये भी सफिशियंटली क्या करेगा, इस पे डेल्टा प्लस जनरेट कर देगा, भले ही ये डायरेक्टली किसी क्लोरीन से जुड़ा नहीं है, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फ्लोरीन से नहीं है, बट बिकॉज तीन क्लोरीन है तो वो खींच के बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस इस पे जनरेट कर देगा, ठीक है। अच्छा। और इसका जो इंटरेक्शन होगा किसके साथ, एसीटोन के साथ, सो दिस इज योर एसीटोन, ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन होता है दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बोरिन तो ना खींच सकता है, फोन एलिमेंट्स खींच सकते हैं ना, कौन खींच सकते हैं, फोन एलिमेंट्स, हाँ फोन क्लोरीन भी कभी कभी कर देता है, ठीक है, अच्छा। लेकिन क्लोरीन के एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड होंगे, जितने होंगे वो क्लास में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ सर। देन नेक्स्ट इज यूरिया प्लस फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस एग्जांपल। यूरिया का फॉर्मूला पता है किसी को, ठीक है, तो इसको ठीक से डिनोट करूं, आपका ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज एन एच एच, ठीक है, C double bond O N NH4 होगा आंसर, NH4 नहीं होता है, NH2 होता है, ठीक है। ओ हाँ सर। Next is a phosphoric acid. Phosphoric acid is P O H, ठीक है, double bond O O H O H, ठीक है, तो इस H का इस O के साथ और इस H का इस O के साथ, ठीक है, हाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है सबको, हाँ सर, ओके, ठीक है। फिर हम लोग इंटरमोलिक्यूलर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने, हाँ सर, इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, हाँ सर, इंट्रामोलिक्यूलर का एक फेमस एग्जांपल हो जाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोग याद रखो, क्या करना है आपको, बेंजीन बनाना है, उस पे एक OH लगा देना है, दिस इज योर फिनॉल, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो मतलब ये पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, ये पोजीशन को हम लोग मेटा बोलते हैं, इस पोजीशन को हम लोग पैरा बोलते हैं, ठीक है सर, और एक बार थोड़ा बोल दीजिए, हाँ बता रहे हैं, देखो ड्रॉ करके सारा बता देते हैं, तो नाइट्रो मतलब इस पोजीशन पे अगर नाइट्रो है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, अच्छा ऑर्थो लिख लो आप लोग, ओ आर टी एच ओ, ठीक है, दिस इज ओ आर टी एच ओ, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है सबको हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ सर, हाँ सर, इसके बीच, ठीक है। सिमिलरली ऑर्थो की जगह मेटा अगर कराए तो उसमें नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेटा में क्या होगा, नाइट्रोजन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, और OH इधर ही रहेगा, दिस इज योर मेटा नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, ज्यादा दूर से बॉन्ड नहीं बना सकते, हाँ इतना दूर से कैसे बनाएगा, पास में रहेंगे तब बनाएगा ना, ठीक है, हाँ सर, तो यहाँ पे नहीं होता, एक मिनट क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल इज पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ओ एच एंड दिस इज एन डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे होगा उसमें हम ड्रॉ करके बता रहे हैं, दूसरा एक नाइट्रोफिनॉल आप ड्रॉ करो, पारा वाला ही, ओ एच हो गया, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ ओ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, दिख रहा है सबको, हाँ सर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पारा में क्या होगा, दिस इज पारा, पी ए आर ए,
पारा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज मेटा. तो पारा में क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर, ऑर्थो में क्या होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर. ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर. पक्के से? हाँ सर. सर दो में समझाइए. अच्छा एक चीज आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए? सोच के बताओ. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में. ऑर्थो में क्यों? जब क्योंकि वो खुद के अंदर बॉन्ड बना रहा था, मतलब जो सेल्फ बॉन्ड बनाते हैं उन लोग का तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना. ये सब कहां से सीख लिया? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब देखो जैसे दो मॉलिक्यूल आपका एसोसिएटेड है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, वेपराइज करना है, अलग करना है. ठीक है. हाँ सर. तो इसमें क्या है, इसमें जो दो मॉलिक्यूल है आपका पारा वाले केस में वो स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है जुड़ा हुआ है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा कि आसान होगा? मुश्किल होगा. मुश्किल होगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रूल पता चलना चाहिए. ठीक है, आप इधर नोट कर लो. ठीक है, रूल क्या है, रूल, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. हाँ सर. और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा. डिक्रीज. अच्छा ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? देखो डिक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर अपने अंदर ही बॉन्ड बना लिया, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से ये इंटरेक्ट नहीं कर पाया. हाँ सर. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, तो जितना ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए हो दोनों अगल बगल वाले. ठीक है. हाँ सर. सबको ये चीज क्लियर हुआ? हाँ सर. तो ये रूल याद रखने का, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर के कारण हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ सर. ओके. हाँ, और एग्जांपल्स देख लो आप लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर के. ठीक है, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर टू. एग्जाम्पल नंबर थ्री, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसल्डिहाइड. अल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है सबने क्लास 10 में? हाँ सर. अल्डिहाइड और कीटोन क्या क्या होता है? नहीं सर, 10th में नहीं था हमारा, वो एक्सक्लूड कर दिया था. ठीक है, अभी देख लो. तो सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, फिनॉल बना लो सबसे पहले और इस पे एक सी डबल बॉन्ड ओ एच डाल दो. दिस इज सैलिसल्डिहाइड. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है सबको क्लियरली? हाँ सर. ठीक है. से ही मिलता जुलता है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड. ठीक है. हाँ सर. सैलिसिलिक एसिड क्या होगा, अगेन यहाँ पे बस OH बना लो और यहाँ पे CHO की जगह COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ये. ठीक है. हाँ सर. मैं H और O के साथ इधर इंटरेक्ट करूँ. ठीक है, दिख रहा है? सैली क्यों नाम पड़ा? नाम है उसका, अब उस नाम क्यों पड़ा वो मैं नहीं पता. ठीक है. ठीक है सर. सो दिस इज योर सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड. ठीक है. इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर के, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर के. तो हाँ, मैलिक एसिड. ठीक है, मैलिक एसिड आना है. ठीक है. यस सर. मैलिक एसिड क्या होता है, कार्बन कार्बन का आप डबल बॉन्ड बनाओ. ठीक है, सी ओ ओ एच सी ओ ओ माइनस, यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है सबको? तो लास्ट में बॉन्ड क्यों नहीं बन जाता है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड पूरा नहीं बन सकता ना, कैसे बनेगा बॉन्ड बोलो? नहीं बन सकता ना. अच्छा ठीक है सर. तो अच्छा, हमने सिस ट्रांस पढ़ा था ना लास्ट क्लास में? हाँ सर. ओके. तो ये
ये क्या है, ये आप ध्यान से देखो तो COO COO सेम साइड है, तो ये सिस फॉर्म है, राइट? हाँ सर. ठीक है, इसी का इसी का अगर आप ट्रांस फॉर्म ड्रॉ करो, ठीक है, C डबल बॉन्ड C एक तरफ, COO O माइनस इस तरफ, और इस तरफ COO OH, ठीक है, तो हाँ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूमारिक एसिड. ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया. हाँ सर. और इसमें इसमें किसी को इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए दिख रहा है? एच और सी के बीच नहीं, एच और सी के बीच इंटर नहीं होगा, इंट्रा होगा इसमें, सॉरी इंट्रा नहीं होगा, इंटर होगा. ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल बना दो एच ओ, सेम कंपाउंड को आपको रिपीट करना है इधर, ठीक है, येलो में. ठीक है, हाँ सर, दिखा सबको कैसे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड? हाँ सर. सर बस थोड़ा टाइम दीजिए, ड्रॉ करने में थोड़ा मुश्किल है. हाँ, इसको नोट कर लो जल्दी से. सो मैलिक एसिड में क्या हो गया, इंट्रा हो गया. ठीक है, फ्यूमारिक एसिड में क्या हो गया, इंटर हो गया. अगेन बॉइलिंग पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इंटर वाले में ज्यादा होगा, इंट्रा वाले में कम हो जाएगा. ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से. तो सी बार डबल बॉन्ड के बीच क्या आएगा? क्या? तो राइट हैंड साइड के जो सी है वो डबल बॉन्ड के बीच क्या आएगा सर? डबल बॉन्ड के बीच कहाँ कुछ आएगा, क्यों आएगा कुछ? ये एलिमेंट, एलिमेंट सर हाइड्रोजन होगा, नहीं कुछ अगर मेंशन हो तो हाइड्रोजन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. ठीक है, ठीक है सर. हाइड्रोजन को हम लोग अलग से डिनोट नहीं करते. ओके, तो इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, और फिर इसके जो शीट है वो हम आपको डाल देते हैं. ठीक है, मतलब खत्म कोऑर्डिनेट ये चैप्टर केमिकल? नहीं, हम अगर चाहे तो 10 दिन और पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बाकी सेक्शन है वो हम लोग दूसरे दूसरे चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, ओके. मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का होमवर्क, ठीक है, तो हम ग्रुप पे डाल देंगे. ठीक है, हाँ सर. और किसी को कुछ डाउट? नहीं सर. सबने नोट कर लिया? हाँ सर, कर लिया. हाँ. नहीं, इससे थोड़ा सा करो 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 सर. सर मैं पूछ सकता हूँ क्या क्वेश्चन? बोलिए बोलिए. सर रेजोनेंस का आप जो बोलते हैं ना, जो बॉन्ड को घुमा देता है, कैसे घुमाता है सर? वो बॉन्ड को घुमाता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. ठीक है, हाँ, वो मेरे को समझ नहीं है कैसे घूम जाता है उसको. अच्छा, आप नोट तीर. हाँ, ये नोट हो गया. अच्छा, सबने नोट कर लिया? जैसे आप क्या पूछ रहे हैं, रेजोनेंस में ये कैसे घूमता है? हाँ, आप बोले भी दिखाए थे, वो इस पार्ट को घूम दिया. क्या 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 लिखे बोले थे? लिखे थे जो वो तीर चिन्ह, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एरो. एरो देके, हाँ, एरो देके आप दिखाए थे. एरो देके वो एरो, एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जैसे ये एरो हमने इसने इस तरफ दिया, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या हुआ, इस तरफ शिफ्ट हुआ है. ठीक है, तो कायदे से क्या हुआ है, इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. समझ में आ रहा है? मतलब वो डंडा पूरा घूम गया? डंडा पूरा नहीं घुमा है वो इलेक्ट्रॉन्स. डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ना. हाँ, हाँ. वो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ गया, इधर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, तो इसका मेरे को लगा चिपका गया मेरे को. हाँ, नहीं नहीं चिपका नहीं है. ठीक है, हाँ. और बोलो, और कुछ डाउट किसी को? सर आउटर मोस्ट में क्या हर बार नेगेटिव होता है, मतलब वो... नहीं, बाहर नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एरो आप किस तरफ घुमा रहे हैं. ठीक है,
अगर लेटेस्ट है आपने कुछ क्या करें, एरो आपने इस तरफ घुमाया तो इस तरफ नेगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? सर पर मेरा होमवर्क में कुछ डाउट्स था सर, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, तो आज वाली डीपीपी और कल वाली डीपीपी हम कल सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट? कौन सा चैप्टर स्टार्ट? अच्छा पहले अभी ये इसका सॉल्व करो आप लोग शीट सर, हैं इसके डाउट्स और डिस्कस होंगे अभी दो तीन दिन, ठीक है? बाय सर। फिर इसका टेस्ट होगा, वाइवा होगा, है ना? इसमें अभी आराम से एक हफ्ता लगेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, अच्छा ठीक है, हां तभी ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय सर, थैंक यू सर।